रही हूँ। हमने से पहले सांप के इलाके में मैंने आपको सांप के बताना सांप के बनाना बताया था कि सांप के किस तरह से बनते हैं। आपने मालूम है कि ये मुरक्कब अल्फाज होते हैं जो हम शुरू में या आखिर में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम मुख्तलिफ लफ्ज के साथ जब उसको लगाते हैं तो मुरक्कब अल्फाज बनते हैं, और वो मुरक्कब अल्फाज बन के अपने अलग मायने देते हैं। तो लाहके जो थे वो शुरू में सांप के जो थे हमने शुरू में लगाए थे अल्फाज को, लेकिन लाहके में जो है वो आखिर में अल्फाज लगते हैं। तो लाहके किसी भी लफ्ज के आखिर में लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको मिसाल दी है फरोश, फरोश को जो हमने गुल के साथ लगाया तो हो गया गुल फरोश, यानी कि फूल बेचने वाला। फिर सब्जी फरोश, सब्जी बेचने वाला, और जान फरोश, अपनी जान को कुर्बान करने वाला, यानी कि जो में पुलिस वाले हैं या आर्मी ऑफिसर हैं या कोई जासूस और जो हैं मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनके साथ आप मुनासिब अल्फाज लगाएंगे तो आपके लहाके बन जाएंगे। मसलन जैसे खाना है, अब यहाँ पे आपने काबा लिखा तो काबा खाना हो गया, यहाँ पे लिखा आपने हुसन खाना, और यहाँ पे लिखा बावर्ची खाना। ठीक है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई घर हो, खाना जो है एक में घर के मायने में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे है दार, दार किसे कहते हैं, यानी कि कोई जैसे मकानदार, दुकानदार, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे लफ्ज है मकान, अब मकान का क्या लिखेंगे, ला मकान, मालिके मकान, और बाकी आप सोचें कि क्या लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे है लफ्ज है बख्त, अब बख्त के साथ आप क्या लगाएंगे, खुश बख्त हो सकता है, बुलंद बख्त हो सकता है, या बदबख्त भी हो सकता है। अब यहाँ पे है दान, तो दान के साथ नाश्तेदान और पायदान और पानदान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप बना के फिर इसको भेजिएगा। ठीक है, आज तक आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल आपको नया अकाउंट दूंगी। अल्लाह हाफिज़।